on a 120 km track, comma, a train travels the first 30 km. A train travels the first 30 km at a uniform speed of 30 km per hour. At a uniform speed of 30 km per hour. Full stop. How fast must the train travel? Travel the next 90 km. The next 90 km. So as to average 60 km per hour for the entire trip. So as to average 60 km per hour for the entire trip. ठीक है जी, क्वेश्चन ये है, हाउ फास्ट द ट्रेन मस्ट ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर. तो टोटल जो हमारे पास ट्रैक है ना, वो टोटल ट्रैक जो है वो 120 किलोमीटर का ट्रैक है, उस पर एक ट्रेन चल रही है. और ट्रेन जो है ना, उन्होंने बोला है अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. तो शुरुआत वाला जो 30 किलोमीटर का जो पोर्शन है वो 30 किलोमीटर पर आवर पर ही चलती है ट्रेन. उसके बाद फिर वो कहते हैं कि जो अगला 90 किलोमीटर जो बचे, टोटल 120 किलोमीटर है, तो शुरुआत में वो 30 किलोमीटर चली, तो अगला जो 90 किलोमीटर बचा हुआ पोर्शन है वो कितनी स्पीड पर चले ताकि पूरी जर्नी जो है, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर बन जाए. समझ गए? सो एज टू एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप. तो इस बार क्या है कि मेरे को एवरेज स्पीड दे रखी है. तो आपकी ओजस पहली क्लास है इसकी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो यहाँ पर दो केसेस हैं, दो केसेस हैं. तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? पहले केस में 30 किलोमीटर, अगले केस में 90 किलोमीटर. ठीक है, तो 30 प्लस 90 यानी कि टोटल तो 120 हो गया. अब दोनों के टाइम ड्यूरेशंस निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो मैं वैसे ही दो अलग अलग केसेस लूंगा. फर्स्ट केस की बात करते हैं पहले, इसके सॉल्यूशन में लिखिएगा केस फर्स्ट. इसमें लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट 30 किलोमीटर. शुरुआत के जो 30 किलोमीटर हैं उनके बारे में अभी पढ़ रहे हैं इसमें. ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, देखिएगा यहाँ पर हम ये कहेंगे कि डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, एस से. डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट, दोनों को एस से डिनोट करते हैं. स्पीड जो है, स्पीड को किससे डिनोट करते हैं, वी से. ठीक है, वी से क्यों करते हैं, बताया था मैंने कि वी फॉर वेलोसिटी और होता है, मतलब उसको वेलोसिटी भी बोलते हैं. अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन दे रखी है तो उसको वेलोसिटी बोलते हैं. अगर किसी ने कहा कि 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो 30 किलोमीटर पर आवर तो कह रहा है कि स्पीड. लेकिन अगर बोला कि आपको 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की डायरेक्शन में चलना है, तो डायरेक्शन मेंशन कर दी, कहेंगे कि अब ये स्पीड नहीं है, अब ये वेलोसिटी है. अगर बोल दिया कि आपको 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए जाना है, बस ये बोल दिया जाना है, तो आप कहीं भी जा रहे हैं. कोई बच्चा पार्क की तरफ जा रहा है, कोई बच्चा अपने घर की तरफ जा रहा है, कोई अपने दोस्त से मिलने जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. लेकिन अगर ये बोल दिया कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको अपने स्कूल की तरफ जाना है,
तो सारे बच्चे एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, तो स्पीड के साथ साथ अब क्या मिल गया, मेरे को डायरेक्शन मिल गया। तो जब भी स्पीड के साथ मुझे डायरेक्शन भी मिल जाता है तो स्पीड को ही हम वेलोसिटी बोल देते हैं, स्पीड प्लस डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। और इसीलिए स्पीड को वी से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से डिनोट करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि शुरुआत में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, केस वन है, इसलिए एस वन बोल दिया, तो कितना डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, कितनी स्पीड से वो चल रहा है, तो मैंने बोला वी वन, तो ये क्या हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। एक सीधा सा रिलेशन होता है कि डिस्टेंस, ये जो है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस क्या है एस, और स्पीड क्या है वी, और टाइम क्या है टी, एस इज इक्वल टू वी इनटू टी, एस इज इक्वल टू वी इनटू टी, ये फॉर्मूला होता है, सीधा सीधा याद रखिएगा। तो हम ये यहाँ पर ये कहेंगे कि एस वन इज इक्वल टू वी वन इनटू पहले वाले केस में 30 किलोमीटर में टाइम कितना लगा, उसको मैंने टी वन मान लिया, ठीक है जी। तो एस वन इज 30, वी वन इज 30 एंड टी वन, ये मेरे को कैलकुलेट करना है, 30 × 30, तो इधर 1 इज इक्वल टू टी वन, मतलब टी वन इज इक्वल टू 1 आवर, बोलिए क्लियर, ठीक है। अच्छा जी, अब जो केस सेकंड है, केस सेकंड क्या होगा, बचे हुए 90 किलोमीटर, क्योंकि ट्रेन पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक पर चलेगी, 120 किलोमीटर का ट्रैक है केस सेकंड। नेक्स्ट 90 किलोमीटर, ये था फर्स्ट 30 किलोमीटर, ये है नेक्स्ट 90 किलोमीटर, इसमें डिस्टेंस कितना है, S2 कितना है 90 किलोमीटर, V2 यानी कि स्पीड कितनी है भाई, वो ही निकालनी है मेरे को, तो V2 को आप X बोल दीजिए, X किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर सो एज टू एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप, भाई टी भी नहीं पता मेरे को, कोई बात नहीं निकालते हैं। तो हम ये कहेंगे S2 is equal to V2 into T2, टाइम भी नहीं पता है, निकाल लेंगे। S2 कितना है 90, V2 कितना है X, और T2 मुझे नहीं पता, तो T2 कैसे निकलेगा, ये X यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो गया 90 upon X is equal to T2, तो भाई T2 की वैल्यू हो गई 90 upon X, ठीक है, ठीक। हमारे पास T1 आ गया, T2 आ गया, T1 और T2 दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा अच्छा अब यहां पर क्या लिखेंगे, गिवन एवरेज स्पीड, पूरी ट्रिप की एवरेज स्पीड दे रखी है बेटा 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये दे रखा है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो मैं लिखूंगा इधर क्या है S1, पहले वाले केस का डिस्टेंस S1, दूसरे वाले का S2, तो S1 plus S2 टोटल टाइम टेकन कितना है, पहले वाले केस का T1, दूसरे वाले केस का T2, इज इक्वल टू 60, सबकी वैल्यू डालिए, S1 plus S2 30 plus 90, T1 plus T2, T1 कितना आया था 1 plus T2 कितना आया था 90 upon X, is equal to 60,
अभी देखिए क्या होता है कि जो टर्म इधर लिखी हुई है वो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है इससे, जो इधर डिवाइड है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 120 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 90 अपॉन एक्स, ठीक है। अब क्या करिए, ये 60 मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, या फिर ऐसे ही कर दीजिए 60 60 60 120, ठीक है। ये इस तरीके से उसी चीज़ को काटा जा सकता है, जो टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, 60 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियसली इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 120 अपॉन 60 हम जानते ही हैं 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये हो गया मेरे पास 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 90 अपॉन एक्स। अब ये जो 1 है ये इधर ऐड हो रहा है, इधर अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 90 अपॉन एक्स, तो 2 माइनस 1 इज 1 इज इक्वल टू 90 अपॉन एक्स। अब ये एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इधर डिवाइड में और इधर 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू एक्स इज एक्स, एक्स इज इक्वल टू 90, और एक्स हमने क्या लिया था सेकंड वाले केस की स्पीड को ही तो लिया था एक्स, तो एक्स कितना हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। तो सेकंड वाला जो केस है मतलब बचे हुए 90 किलोमीटर, उस ट्रेन को 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने पड़ेंगे, तभी पूरी की पूरी ट्रिप की एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर बन कर आएगी, क्लियर है, ठीक है। वो जस्ट समझ गए? यस सर। चलिए ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 था ये, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अच्छा, इसकी ना साइंस की बुक आती है, एक तो एनसीईआरटी तो है ही, और साइंस की एक बुक आती है फिजिक्स की, लखबीर सिंह मंजीत कौर राइटर्स का नाम है, जो मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन की, लखबीर सिंह से करवा रहा हूँ। फिजिक्स की आती है, ऐसी केमिस्ट्री की भी लखबीर सिंह मंजीत कौर केमिस्ट्री की भी आती है, बायोलॉजी की आती है पी एस अग्रवाल के नाम से, ठीक है। तो बायोलॉजी की वो बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दे रखा है, उतने की ज़रूरत नहीं है, बायोलॉजी करेंगे एनसीईआरटी में से, और ये जो दोनों हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये लखनऊ से। सब एक ही में था, अब नाइन्थ में थोड़ा आपको अलग अलग स्ट्रेस देना पड़ेगा तीनों सब्जेक्ट्स पर, ठीक है ना। और स्कूल में टीचर भी आपको वेटेज बता देंगे कि बायो का इतने नंबर का है, केमिस्ट्री में से इतने नंबर का आएगा और फिजिक्स में से इतने नंबर, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर for 0.52 hours. Hours to short mein HRS likh dete hain. Comma, at 30 km per hour, for the next 0.24 hours. For the next 0.24 hours. And then at 70 km per hour. And then at 70 km per hour. For the next 0.71 hours. For the next 0.71 hours. Full stop. What is the average speed of the train? What is the average speed of the train? Not so near. देखो एक चीज़ में ना
कंफ्यूजन हो जाता है, ज़्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ये कंफ्यूज करने के लिए ही दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके तीन सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। अब फिजिक्स में आपके नंबर आ जाते हैं मान लीजिए 30 में से 30, केमिस्ट्री में आ जाते हैं 30 में से 25, 25 out of 30, और बायोलॉजी में आपके रह जाते हैं चलिए 20, इसको भी 25 बोल देते हैं चलिए, ठीक। इतने नंबर आपके आ जाते हैं, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 90 हो गए। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई आपको ये बताना है कि इसमें एवरेज कितना बनेगा, एवरेज मार्क्स कितने बनेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आप एवरेज कैसे निकालेंगे, 30 + 25 + 25 / 3, ठीक है। कोई भी तीन चीज़ें अगर मेरे को दे रखी हैं और हमसे ये कहा जाए कि उन तीनों का एवरेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाई 3 कर देंगे। कोई चार वैल्यूज़ दे रखी हैं तो चारों को ऐड करके डिवाइड बाई 4, कोई पांच वैल्यूज़ हैं पांचों को ऐड करके डिवाइड बाई 5, ऐसे करते हैं। लेकिन स्पीड में ये फंडा नहीं लगता। यहाँ पर क्या देखिए बोल रहे हैं, ट्रेन ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 आवर्स, 30 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.24 आवर्स, एंड देन 70 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.71 आवर्स। तो मेरे को तीन केसेस दे रखे हैं और तीनों की स्पीड दे रखी है। बच्चे ये गलती कर देते हैं कि 60 + 30 + 70 / 3 निकाल दो एवरेज, हो गया एवरेज। एवरेज ऐसे ही निकाला जाता है किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़, अगर आपको 50 चीज़ें दे रखी हैं तो 50 को ऐड कर दो और डिवाइड बाई 50 कर दो। अगर आपको 101 चीज़ें दे रखी हैं तो 101 टर्म्स को ऐड कर दो, डिवाइड बाई 101 कर दो। तो एवरेज ऐसे ही निकालते हैं, लेकिन स्पीड नहीं निकलती ऐसे, एवरेज स्पीड नहीं निकलती। एवरेज स्पीड के लिए तीनों केसेस का, इसकी इस केस का क्या मेरे पास स्पीड है और टाइम है, तो इसका डिस्टेंस निकालूंगा। दूसरे केस का भी स्पीड है और टाइम है, दूसरे का डिस्टेंस निकालेंगे, तीसरे का डिस्टेंस निकालेंगे, सारे डिस्टेंसेस को ऐड करेंगे और डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम पता है ना, ये T1 है, ये T2 है, और 0.71 ये T3 है, ठीक है। ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। ये गलती मत करना कि स्पीड दे रखी है, तीनों को ऐड करो डिवाइड बाई 3 करो, मत करना, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं तीन केसेस इसमें लेकर चलूंगा और तीनों केसेस के अलग अलग डिस्टेंसेस कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। जहां प्रॉब्लम आए रोक देना, मेरे को बता दूंगा दोबारा। केस वन में जो डिस्टेंस है S1 वो मुझे निकालना है, और उसकी जो स्पीड है, स्पीड को वी बोलते हैं, तो V1 है 60 किलोमीटर पर आवर। S1 is equal to V1 into T1. हाँ जी, इसका पॉइंट गया तो नीचे आया 100, 10 से 10 कट गया, तो 6 2s are 12, 1 carry, 6 5s are 30 और 1 31, तो 312/10। अब 10 में 10 है, 10 में 10 है, तो इसको काट दिया और राइट से एक डिजिट काउंट करके यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। पता होगा ये तो है ना, 100 होता तो उसको काट देता, राइट से दो डिजिट काउंट करके, क्योंकि 100 में 2 0 है, तो दो डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा देते। बेटा ये हो गया 31.2 किलोमीटर, पहले केस में इतना हो गया। केस सेकंड, केस सेकंड में S2 मुझे नहीं पता, V2 30 किलोमीटर पर आवर है ना, और टाइम कितना है 0.24 आवर्स। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 3 × 24 = 72/10, अगेन 10 काट दूंगा तो डेसिमल यहां लग जाएगा, ये हो गया 7.2
1.2 किलोमीटर। केस थर्ड, केस थर्ड यानी कि डिस्टेंस ऑफ थर्ड केस S3, S3 कैलकुलेट करना है। S3 हमें नहीं पता, V3 कितना दे रखा है 70 किलोमीटर पर आवर। टाइम 0.71 आवर्स, तो नीचे आ गया 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 7 7 7 7 7 49.4 97.10 ये कर गया, तो 49.7। ठीक है, तो S1 आ गया, S2 आ गया, S3 आ गया, तो अब तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, और T1 T2 T3 यानी कि टोटल टाइम टेकन वो मुझे पता ही है। ठीक, तो अब निकालेंगे इसकी एवरेज स्पीड। Therefore, average speed is equal to total distance travelled upon total time taken. S1 plus S2 plus S3, S1 है 31.2, S2 है 7.2 और S3 है 49.7। फिर T1, T2, T3, तो T1 है 0.52 प्लस T2 है 0.24 और T3 है 0.71। 2 plus 2 4 4 plus 7 11, 1 carry, 1 plus 1 2, 2 plus 7 9, 9 plus 9 18, 9 plus 9 18, 1 carry, 1 plus 3 4, 4 plus 4 8, 88.1 हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर में ऐड करिए 2 plus 4 6, 6 plus 1 7, 5 plus 2 7 plus 7 14, 1.47 ये हो गया। इधर डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे आ गया 10, डेसिमल हटा दिया, इधर डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो ऊपर आ गया 100, 1 0 से 1 0 कट गया। 881 into 10 यानी कि 8810 डिनोमिनेटर में 147। ठीक है, अब क्या करना है भाई, ये जो 8810 है इसको 147 से डिवाइड करना होगा। अप्रॉक्सीमेटली कितना है, लगभग लगभग 150 के आसपास है ना, है ना, तो 152,300 होता है, 156,900 होता है, तो 5 से शायद बात बनेगी, 6 कर दूंगा ना, तो 6 7 42, 4 carry 6 24 और 4 28, 2 carry 6 सर 882 बन जाएगा। हमने सर 88.1 को 100 से मल्टीप्लाई
88.1 है, पॉइंट गया तो नीचे 10 आ गया, ठीक है, 1.47 का पॉइंट गया तो ऊपर 100 आ गया, तो 10 से ही 10 कट गया, 881 बचा ना ऊपर, 881 इंटू 10 8810 और नीचे 147 बचा, पॉइंट हटा दिए, ठीक है। 5 से करेंगे भाई, 5 7 35, 5 7 35, 3 कैरी, 5 4 20 और 3 23, 2 कैरी, 5 1 5 2 7 35, ठीक है, डिवाइड सबट्रैक्ट करिए, 11 माइनस 5 इज 6, 11 माइनस 5 इज 6, और इधर कितना बचता है, 11 माइनस 5 इज 6, इधर बचेगा 7, 7 माइनस 3 इज 4, ठीक है, और ये 146 बच गया, ठीक है। अब एक जीरो उतारेंगे ऊपर से, 146 1460, ठीक, 1460, तो ये कितना हो जाएगा, शायद 9 से करके देखते हैं, 9 7 63, 9 4 36 और 6 36 और 6 42, ठीक है, ये हिट एंड ट्रायल है, बार बार ट्राई करके देखेंगे, 9 से कर लिया या 10 से कर लिया या 8 से कर लिया, ऐसे मल्टीप्लाई करके, तो मैंने 9 से देख लिया, 9 7 63, 6 कैरी, 9 4 36 और 6 42, 4 कैरी, 9 1 9 और 4 13, 1 3 2 3, सबट्रैक्ट करिए, 10 माइनस 3 इज 7, यहाँ पर क्या बचेगा, 5 5 माइनस 2 इज 3, यहाँ 4 4 माइनस 3 इज 1, 137, इधर डेसिमल लगाओ, 0 उतार लो, ये 0 आ गया, 1370, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे भाई, तो देखो ये तो यही आ गया 1370, तो इससे थोड़ा सा तो छोटा है 1323, ठीक है, तो 9 जा, तो पॉइंट लगाकर 9 जा, 1323, ठीक है। अब कुछ भी आता रहे बहुत है हमारे, 59.9 आ गया, 1 डेसिमल प्लेस तक निकाल लिया, बहुत है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 59.9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी, ये हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई टोटल इसकी, तो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड। चलिए जी, अब नेक्स्ट टॉपिक आप नोट करेंगे, इसमें ये एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चंस हुए, नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालेंगे वेलोसिटी। नेक्स्ट लिखिएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी is the distance traveled velocity of a body is the distance traveled by it per unit time in a given direction. Per unit time in a given direction. Full stop. Likhiyega velocity is equal to distance traveled in a given direction. Upon time taken. Distance traveled in a given direction upon time taken. जैसे हमने कहा ना डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो जैसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी दे रखा होता है ना किसी डायरेक्शन में, तो उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, तो इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन,
तो ये आपने फॉर्मूला लिखा, इसी के बाद आप यहाँ पर आगे नोट करेंगे वेलोसिटी, और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा जी, ये करने के बाद में वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी की भी यूनिट वही होती है जो स्पीड की होती है, बस साथ में डायरेक्शन और दे दिया जाता है उसमें। अब इसमें एक क्वेश्चन नोट करिएगा, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला टूवर्ड्स नॉर्थ इन 5 hours। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट है स्पीड, फर्स्ट पार्ट है स्पीड एंड सेकंड है वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर दिस जर्नी। मैंने आपको बताया स्पीड में और वेलोसिटी में, स्पीड क्या है कि अगर किसी डायरेक्शन में अगर हमको सिर्फ स्पीड दे रखी है तो वो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन वो हमारा हो जाता है स्पीड। और अगर आपको डायरेक्शन दे रखी है कि स्पीड आपको एक पर्टिकुलर स्पीड पर चलना है और एक गिवन डायरेक्शन में, तो वो जो है उसको हम बोल देते हैं वेलोसिटी। इसी तरह से अगर किसी ने कहा भाई 100 meters चलो, ठीक है, तो कोई इधर चल रहा है, कोई उधर चल रहा है, कोई कहीं चल रहा है, कोई कहीं चल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन अगर कोई बोलता है कि 100 meters चलो साउथ की तरफ चलो, तो वो साउथ हमारे पास डायरेक्शन हो गई, तो वो कहलाता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में वही अंतर है जो स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन दे रखा है देन इट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी, डिस्टेंस के साथ अगर डायरेक्शन दे रखा है देन इट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दूसरी चीज़ ये भी है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मैं आता हूँ अभी उस चीज पर भी, पहले ये क्वेश्चन देखें। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला टुवर्ड्स नॉर्थ इन 5 hours। तो एक कार है वो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है दिल्ली से अंबाला, और उसको कितना टाइम लगता है वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में, 5 घंटे। किलोमीटर पर
ठीक है, पहले भी बताया था, दोबारा बताता हूँ कि वैल्यू से वैल्यू डिवाइड होती है और यूनिट से यूनिट डिवाइड होती है। डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या है किलोमीटर, टाइम की यूनिट क्या आर, तभी हमने लिखा है किलोमीटर अपॉन आर, यानी कि किलोमीटर पर आर। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में ये पूछ रहे हैं आपसे कि वेलोसिटी बतानी है आपको इसकी कार की, दिल्ली से अम्बाला जाने की कार। फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेक। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो हमने क्या लिखा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, तो उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहां लिख देंगे 200 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ अपॉन टाइम टेकन। कितना टाइम लग रहा है, टाइम तो वही 5 घंटे। इस बार आपने क्या करा, इस बार बस मैंने डायरेक्शन लिख और दी है, सिर्फ इतना 5 4 20 और आगे 0 लगा दो, 5 4 20 और आगे 0 40। ड्यू नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ की तरफ, टुवर्ड्स नॉर्थ लिखेंगे वो भी वही होगा, नॉर्थ की तरफ 40 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि स्पीड में और वेलोसिटी में केवल इतना अंतर है कि वेलोसिटी में बस में साथ में डायरेक्शन और लिख दूंगा, वैल्यू तो सेम ही है ना। वैल्यू जो होती है उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू उसको बोलेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम है, बाकी डायरेक्शन और लिख देते हैं बस उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर ऐसा एमसीक्यू आता है तो एमसीक्यू में सॉल्व करना होता है, मतलब डायरेक्टली स्पीड निकाल कर डायरेक्शन लिख दो साथ में, हो गया वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर टू, बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर from Delhi to Jaipur towards west, 250 km from Delhi to Jaipur towards west. In 5 hours in the morning and returns to Delhi in the evening. Returns to Delhi in the evening. Covering the same distance of 250 km. Covering the same distance of 250 km. In the same time of 5 hours. In the same time of 5 hours. Full stop. First, find A part hai average speed.
और बी पार्ट है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस और द होल जर्नी। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस फॉर द होल जर्नी, तो पहले एवरेज स्पीड निकालनी है फिर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज स्पीड देखिएगा किस तरह से निकलेगी। एवरेज स्पीड हमने अभी अभी क्वेश्चंस देखे थे एवरेज स्पीड के कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये एवरेज स्पीड का तरीका होता है निकालने का। बस है ये दिल्ली से जयपुर जाती है, ठीक है, और कितने उसमें जाती है, कितना किलोमीटर ट्रैवल करती है, 250 किलोमीटर। तो 250 किलोमीटर तो जाने में लगता है टाइम, ठीक है, और बोल रहे हैं एंड रिटर्न्स टू दिल्ली इन द इवनिंग ट्रैवलिंग द सेम डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। तो शाम को वापस आती है तो भी सेम डिस्टेंस 250 किलोमीटर ही ट्रैवल करके वापस आती है। तो जाने का डिस्टेंस 250, आने का डिस्टेंस 250, तो ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस। जाने में भी 5 घंटे लगते हैं, आने में भी 5 घंटे लगते हैं, तो जाने का टाइम 5 आवर्स, आने का टाइम 5 आवर्स, टोटल टाइम हो गया 250 + 250 = 500, 5 + 5 = 10, 0 से 0 कट गया, तो रिजल्ट क्या आ गया 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड कितनी हो गई 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब पी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में क्या है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिएगा हमने आपको ये बताया था कि जब भी कभी डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का क्या तरीका होता है, डिस्प्लेसमेंट निकालने का ये तरीका होता है, देखिए हमने ना एक ग्राफ भी बनाकर दिखाया था शुरुआत में कि जैसे मान लीजिए ये कार है वो यहाँ से यहाँ चली, फिर यहाँ से यहाँ चली, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे और ऐसे। अब अगर मेरे पास ये 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 सारे डिस्टेंस हैं, मान लीजिए 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ठीक है, और ये आपका हो जाए 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, और ये मान लीजिए 3 किलोमीटर, तो 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 1 = 7, 7 + 1 = 8, 8 + 3 = 11, 11 किलोमीटर हो गया। और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये था ए और एंडिंग पॉइंट ये था बी, तो ए से अगर मैंने बी को ज्वाइन कर दिया इस तरह से और ये मान लीजिए सिर्फ 6 किलोमीटर दे रखा है, तो जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, समझ गए, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ होता है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और जो पूरा पाथ हमने ट्रैवल करा यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर 3, सारा का सारा पाथ जो है
वो अगर आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। ठीक, तो हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, तो जरा ध्यान से देखिए, अब बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली से जयपुर जाती है बस, ठीक है, 5 घंटे लगते हैं, वेस्ट की तरफ जाती है इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न्स टू दिल्ली इन द इवनिंग, कवरिंग द सेम डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर इन द सेम टाइम ऑफ 5 आवर्स। दिल्ली से जयपुर गई, दिल्ली से जयपुर गई और जयपुर से वापस दिल्ली आ गई, तो इनिशियल पोजिशन भी दिल्ली और फाइनल पोजीशन भी दिल्ली, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस तो कुछ निकला ही नहीं, क्या हो गया, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट में ऐसे लिखेंगे शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल लिविंग पोजिशंस, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना भी, 5 घंटा जाना, 5 घंटे आना, तो 5 + 5, ठीक है। इनिशियल और फाइनल पोजिशंस जो हैं वो तो सेम ही है, इनिशियल पोजिशन से सेम, फाइनल पोजिशन से सेम, तो इसका मतलब हमारा उन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो जीरो हो गया, और ये 5 + 5 डिस्टेंस 0 किलोमीटर का है, ये है एवरेज वेलोसिटी। बताइए भाई ओजस, ये चीज़ समझ में आ गई, जीरो कैसे आया? सर एवरेज वेलोसिटी वाला पार्ट तो दोबारा बताता हूँ, देखिएगा हमने क्या करा, यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर जयपुर है, तो भाई दिल्ली से जयपुर गए, दिल्ली से जयपुर गए 250 किलोमीटर, और जयपुर से वापस दिल्ली आए फिर से 250 किलोमीटर, तो जो टोटल डिस्टेंस है वो तो 250 + 250 वो तो 500 हो गई, जैसे यहाँ पर हुआ था। लेकिन जब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो हम ये कहते हैं कि हमारी इनिशियल पोजीशन जो है वो भी दिल्ली है, फिर जयपुर गए और लौट के फिर वापस दिल्ली आ गए, तो दिल्ली और दिल्ली के बीच में डिस्टेंस कितना, हम कहेंगे दिल्ली और दिल्ली के बीच में तो डिस्टेंस ही कुछ नहीं है, है ना। वही जो सबसे जो पहले वाला पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो हम दिल्ली से ही शुरू हुए और दिल्ली पर ही आ गए, तो इनिशियल पॉइंट भी दिल्ली, फाइनल पॉइंट भी दिल्ली, तो दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं, जीरो। अभी क्लियर? ठीक है, तो इसलिए 0/10, तो ये हमारी एवरेज वेलोसिटी 0 किलोमीटर बराबर होगी। ठीक है, ठीक है जी, इतना करिए, बाकी एक्सेलरेशन जो है वो आपको साइंस की नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, आज इतना ही करिए, और 2-3 क्वेश्चंस आज भेजूंगा आपको ये एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी वाले, ठीक है, वो ट्राई करिएगा, कल की छुट्टी रहेगी। चलिए ओके।